हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने इस थंबनेल में देखा है कि इस वीडियो में हम नागिन धुन सीखेंगे, वो भी कण स्वरों के साथ। अब ये कण स्वर क्या होते हैं, इसे किस तरह रियाज करना है, इसका हमने कुछ हफ्ते पहले वीडियो अपलोड किया था। ये देखिए, ये वो वीडियो है, कण स्वर क्या है समझिए जानिए। तो ये वीडियो आपने देखा होगा और हम समझते कि इसे देखकर आपने प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं है तो अभी जो वीडियो चल रहा है, ठीक है, उसके ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे आप डॉट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। अभी जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा यहाँ पे क्लिक करने से। और वहां पे हमने इस वीडियो की लिंक दिए, कण स्वरों के बारे में जानकारी के वीडियो की लिंक दिए, तो वो लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देखिए और उस तरह से कण स्वरों का अभ्यास कीजिए, तो आपको ये नागिन धुन अभी जो हम सिखाएंगे वो आपको सीखने में आसानी होगी। अब देखेंगे कि हमें जो नागिन धुन बजनी है वो बजती कैसे। आपने जो अभी धुन सुनी उस धुन का ये नोटेशन आपको हम अभी दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम गाने के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो गाने की धुन है, ये धुन 1954 में जो फिल्म आई थी नागिन, उस फिल्म का गाना मन डोले मेरा तन डोले, इस गाने की ये धुन है। और इसके संगीतकार थे हेमंत कुमार और इस गाने को गाया था लता मंगेशकर जी ने। और इस गाने का थाट देखिए, थाट काफी है, ठीक है, और राग ये पीलू राग पर आधारित ये गाना है, ठीक है। अब इसके नोट्स देखेंगे तो थोड़ा सा आसावरी जैसा लगता है, लेकिन ये थाट काफी का गाना है और राग पीलू पर आधारित है। अब दोस्तों, इसमें एक मजेदार बात आपको बताता हूं कि ये जो धुन हम बीन की समझकर इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, असल में ये बीन की धुन है ही नहीं। तो ये जो है वो क्ले वायलिन, इस वाद्य पर बजाई गई ये धुने, मतलब ओरिजिनल जो गाने में जो हम बीन की सुनते हैं वो बीन नहीं है, तो क्ले वायलिन की आवाज है और हम इतने सालों से उसे बीन की धुन समझकर सुनते आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको गूगल पर भी ये जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब नोटेशन के बारे में बात करेंगे। ये नोटेशन में देखिए, हमें काली चार से बजाना है, वो आपको उसके बारे में भी दिखाएंगे। तो ये नोटेशन में जो नोट्स के नीचे हमने ये लाइन रेड लाइन लगा दी है, इसका मतलब है कि ये हमें कोमल स्वर बजाना है, ठीक है, यहाँ पे ग कोमल है। अब इसके बाद देखिए, ये रेड लाइन भी है और नीचे डॉट भी दिया है, ठीक है, इसका मतलब है कि नी कोमल बजाना होगा। और ये गोल का मतलब है कि हमें ये मंद्र सप्तक का, यानी जिस मध्य सप्तक में हम बजाते हैं उससे पहले वाला नी हमें ये लेना है, ठीक है। अब ये सा के ऊपर छोटा सा नी दिखाया है हमने, तो इसका क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ पे भी नीचे सब ये प के ऊपर ध है, ध के ऊपर नी छोटे अक्षरों में, इसका मतलब है कि ये कण स्वर है। सब कण स्वर को नोटेशन में इस तरह लिखा जाता है, जो मेन नोट्स है उसके आगे आगे या इधर भी लिखते हैं, ठीक है, यहाँ भी लिखते हैं यहाँ भी लिखते हैं। तो ये ध का कण लेके बजाना है, ध कोमल नीचे लाइन है ना, तो ध कोमल का कण लेके बजाना है। यहाँ ध को नी ध बजाते वक्त नी का कण लेके, नी कोमल का कण लेके बजाना है, इस तरह ये कण स्वरों का दिखाते हैं नोटेशन में। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप देखेंगे कि हमें
कौन से स्केल पे इसे बजाना है। अब आप है ना इसे किसी भी स्केल में बजा सकते हो। अब हमने आपको यहाँ पे हम काली चार दिखाने वाले हैं, काली चार के स्केल से बजाना है। तो आपको अगर काली चार से सारे गम मालूम नहीं है, काली एक से आपको सारे गम मालूम है, तो आप काली एक पे भी बजा सकते हो। आपको जहां पे सारे गम का अभ्यास है आप वहां से ये नोटेशन बजा सकते हो, नोट्स वही रहेंगे, नोटेशन बदलेगा नहीं। हम आपको अभी काली चार पे दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो धुन है हमें किस स्केल पर बजानी है, ठीक है। तो हम इसे बजाएंगे काली चार से। अब काली चार का स्केल क्या होता है, यहां से हम सारे गम मान के हमें बजाना है। तो ये सा रे ग म प ध नि सा, ये हुआ काली चार का स्केल। लेकिन इस गाने में ग ध नि कोमल आते, तो हमें स्वर लेने पड़ेंगे सा रे ग कोमल म प ध कोमल नी कोमल और सा, तो स्केल इस तरह बनेगा। ये हमें नोट्स यहां पे लेने हैं, तो ठीक है। अब इसके नोटेशन देना शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी पहली लाइन जो है वो किस तरह है, तो वो इस तरह आएगी। ये इस तरह का नोटेशन होगा, देखिए ये सा, ठीक है। अब हमें क्या बजाना है, रे सा ग सा रे नी सा नी, रे सा ग सा रे नी सा, और नी का कन लेना है। तो ये हो गया सा, फिर ये रे सा ग सा रे नी सा नी, वही दोबारा रे सा ग सा रे नी सा, ये सा का कन लिया दूसरी लाइन पे, ठीक है। पहली लाइन पे ये दो बार करना है हमें, ठीक है। अब ये हो गया दो बार करके, अब आते हैं दूसरी लाइन पे, ठीक है। दूसरी लाइन इस तरह बजेगी, ठीक है। इतना पूरा लाइन यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गया देखिए सा ग प। अब ध का कर लेना है, अब धनी प ध, ये देखिए पूरा सा ग प ध धनी प ध, ये हो गया इतना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब कन को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान है ये। फिर दूसरी लाइन में सा ग म प मतलब प का कन, ठीक है। सा ग म प का कन लिया, अब प ध म प ध म सा, ये म से सीधा सा पे जाएंगे, तो इस तरह बनेगा। ये इतनी दो लाइन, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ जोड़ेंगे, फिर वापिस पहली लाइन पर आएंगे, सानी, ठीक है। अब ये एक साथ बजाने से ये बहुत सारे वेरिएशन में बजा सकते हैं आप। लेकिन आपको हमने ये कण स्वरों के साथ किस तरह इफेक्ट बीन का इफेक्ट लाके आप बजा सकते हो, ये इस वीडियो में दिखाया है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी और नोटेशंस की वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे गानों के नोटेशंस हमने दे रखे हैं, बेंजो पे भी और कीबोर्ड पे भी।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए कैसियो की कीबोर्ड की नई नई जानकारी और आसान तरीके से जानकारी देखने के लिए। थैंक यू।